हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम मैथ स्टार्ट करेंगे क्लास थर्ड का जिसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे जिसका नाम प्लेस वैल्यू है प्लेस वैल्यू क्या होती है इसको सीखने से पहले हमें बिल्कुल बेस में काम करना पड़ेगा बिल्कुल बेसिक काम करना पड़ेगा सुनो आपने ये सुना है ये वंस ये होता बेटा यहाँ पर टेंस और ये होता है यहाँ पर हंड्रेड ओके okay. वंस में सिर्फ वन डिजिट रहेगा जैसे ये कितना ये वन हो गया अगर यहाँ पे कितना मैं टू इस तरह से बात चलेगी और आखिरकार कहाँ तक जाओगे आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आखिरकार कहाँ पहुँचोगे टेन तक अभी टेन में क्या हुआ हमारे पास दो डिजिट हो गए एक तो ये रहा जीरो एक ये वन है ये दो मिला के कितने हो गए टू डिजिट टू डिजिट की जो संख्या है उसको हम कहाँ रखते हैं टेंस में जैसे टेंस का मतलब क्या होता है किसी डिब्बे में अगर आप दस पेंसिल रख दोगे तो इसका मतलब वहाँ कितने वहाँ पे टेंस हो गया वो कितना हो गया टेंस अगर एक डिब्बे में बीस पेंसिल हैं तो कितना आ जाएगा टू टेंस ओके ये प्लेस वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी टेंस की हो जाएगी इसमें ठीक है इनको एक बार करके देखते हैं इनको समझने से पहले एक बार जो ये कलाकृति जो बना रखी है इनको देख लेते हैं आइए जी अब मैंने बॉक्स बना रखे हैं बॉक्स को काउंट करते हैं ये कितना हो गया वन ये कितना हो गया वन अब यहाँ पे कितना हो गया वन टू कितना हो गया ये टू वन टू थ्री फोर ये कितना हो गया फोर ओके okay. ये सिर्फ एक एक डिजिट में ही ये भी एक डिजिट है ये भी एक डिजिट में संख्या है और ये भी कितने डिजिट में संख्या एक इसलिए इसको क्या नाम देंगे हम वंस क्या नाम देंगे हम इसको वंस ओके okay. अब इस को काउंट करिए आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब टेन हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे टेन ठीक है अब कितने टेन हैं ये टेन वाली संख्या को हम क्या नाम देंगे टेंस में प्लेस क्या होगा उसका टेंस किस जगह पे है मतलब कितने दस हैं वो अब यहाँ पे टेन कितने हैं वन कितना टेन है यहाँ पे वन टेन है नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कितने टेन हो गए अपने पास में वन टेंस वन टेन हो गए यहाँ पे ठीक है अब इसमें काउंट करेंगे एक टेंस तो ये रहा एक टेंस ये रहा एक टेंस ये रहा तो यहां पे कितने टेंस हो गए थ्री टेंस दोबारा फिर बता रहा हूं मैं टेंस का मतलब है जैसे ये हमने एक बॉक्स लिया इसमें कोई दस चीजें रखी थी तो कितने टेंस हमारे पास में वन टेंस अगर किसी बॉक्स में थर्टी देखो टेंस का मतलब हो गया जीरो दस होता वैसे और ये थ्री थ्री हो गया तो कितना हो गया ये थर्टी तीन टेंस को क्या बोलोगे आप थर्टी अब आ गया ये वन टेंस ये सेकेंड हो गया ये तीन हो गए ये चार हो गए ये पाँच हो गए तो ये कितने हो गए फाइव कितने हो गए हमारे पास में फाइव टेंस कितने हो गए फाइव टेंस ओके फाइव टेंस हो गए अब इसमें काउंट करिए आप ये सभी सभी क्या थे टेंस टेंस का मतलब क्या होता है जैसे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एट्टी नाइन्टी टेंस में कितने डिजिट होंगे दो देखना एक बार नाइन्टी में भी कितने डिजिट हैं वन टू एट्टी में वन टू सेवेंटी में वन टू सिक्सटी में वन टू इस तरह से दस तक टेन तक कितने हैं सिर्फ दो दो डिजिट का जिक्र हो रहा है ओके अब आइए इसको काउंट करते हैं इसमें काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अभी आपके पास कितने हो गए टेन टेंस कितने हो गए टेन टेंस हो गए आपके जब आपके पास में दस टेंस हो जाएंगे तो उसको हम नाम देंगे हंड्रेड क्या नाम देंगे उसको हंड्रेड ठीक है तो एक बार दोबारा फिर बता रहा हूं मैं वन डिजिट एक डिजिट की जो संख्या होती है उसको वन कहां तक होगी वो नाइन तक होगी जो हमने अभी देखी थी ठीक है और ये टेंस का मतलब होता है कि एक चीज में दस संख्या दस अंक होने दस संख्या होनी चाहिए ये हो गए आपके टेंस ओके अब आइए हम ये क्यों करने की जरूरत पड़ी इसको समझने की कोशिश करते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे वन टेन में कितना हो जाएगा आपका वन वन डिजिट होगा और टेंस में कितने होते हैं वन जीरो ट्वेंटी में कितने टेन हो गए आपके दो और थर्टी में कितना टेन हो गया आपके थ्री फोर्टी में बोलना कितने हो जाएंगे फोर फिफ्टी में कितने हो जाएंगे फाइव देखना अभी अभी इन्होंने क्या किया एक संख्या दे दी हंड्रेड हंड्रेड में कितने होते हैं टेन टेंस उन्होंने बताया ये तो है हंड्रेड क्या है हन, ओके यहां पे दिया उन्होंने टेंस ये क्या दिया उन्होंने टेंस ठीक है मान लेते हैं इनके अंदर ये टेंस दस दस संख्याएं हैं और बाकी के ये दिए अब आपने क्या करना पड़ेगा ये संख्या लिखनी पड़ेगी अब आपके पास हंड्रेड कितने हैं वन चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये कितने डिजिट हो गए वन टू इसका मतलब ये क्या है ये वंस में है कितने हैं ये वंश तो आप संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है सबसे पहले वंस लिखेंगे उसके बाद में आप टेंस लिखेंगे उसके बाद में आप हंड्रेड लिखेंगे ठीक है अभी वंस जो होगा उसमें कितने हैं वन टू दो लिख दिया टेंस में कितने हुए एक ये रहा एक ए रहा तो कितने हो जाएंगे टू हो गया और हंड्रेड कितने हैं वन इस तरह से प्लेस वैल्यू होती है अभी कहेगा कि वन की प्लेस वैल्यू बताओ वन की प्लेस वैल्यू तो वन की प्लेस वैल्यू को कैसे शो करोगे ये वंस में कितने डिजिट होते हैं एक ही डिजिट होता है टेंस में कितने होते हैं दो डिजिट और हंड्रेड में कितना होगा तीसरा नंबर आएगा इसका था तीन डिजिट होते हैं इसलिए हंड्रेड किस जगह पे हंड्रेड क्यों लिखा क्योंकि इसके अंदर ये लिखा मैंने टेन टेंस हैं टेन टेंस हैं तो उसको क्या कहेंगे हंड्रेड ओके अगला क्वेश्चन लेते हैं फिर एक एक क्वेश्चन लिया हमने इसको नाम दे दिया मैंने हंड्रेड हंड्रेड को मैं एच लिख सकता हूं और यहां पे मैंने लिया वन टू थ्री फोर यहां पे टेंस मान लेता हूँ मैं इनको टेंस ठीक है टेंस और एक जगह पे मैंने लिया, ओके जो नौ तक डिजिट होंगे, वन टू थ्री फोर नाइन तक जो अंक होंगे नंबर होंगे उनको क्या नाम देते हैं हम वंश ठीक अब ये कहेगा कि आप इनकी संख्या बनाओ तो आप क्या करोगे सबसे पहले क्या आएगा वंश सेकंड नंबर पे क्या आएगा टेंस टी लिख देता हूं मैं और हंड्रेड को क्या लिख देता हूं मैं एच तो मुझे काउंट करके बताओ वंस के नीचे कितने हैं वन टू थ्री फोर कितने हैं फोर में बताओ मुझे काउंट करके कितने हैं वन टू थ्री फोर और हंड्रेड कितना हमारे पास में वन अगर यहां पे एक और हंड्रेड होता तो कितने हो जाएंगे यहां पे दो अगर बोल दे कि एक और हंड्रेड ले लो तो कितने हो जाएंगे थ्री okay. ओके तो ये तो इस संख्या लिखनी ये तो क्या होगी संख्या लिखनी अभी आपकी एक्सरसाइज अक दे रखी है उसमें आपने करना है अभी हमने कितने डिजिट सीखे हैं एक डिजिट हुआ दूसरा डिजिट हुआ और ये तीसरा डिजिट हुआ तो संख्या में तो चार भी होते हैं पांच भी होते हैं छः भी होते हैं जरा उनको और सीख लेते हैं ठीक टेन टेंस को मिला के क्या बना था हमारा हंड्रेड इसी तरह से वन हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड सेवन एट हंड्रेड नाइन हंड्रेड और टेन हंड्रेड जो ये टेन हंड्रेड है टेन हंड्रेड का मतलब आपके पास दस ऐसे बॉक्स हैं जिनमें हर बॉक्स में सौ सौ हंड्रेड हंड्रेड वस्तुएं हैं देखिए मान लेते हैं ये एक हंड्रेड हो गए यहाँ पे ये दो हो गए ये तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस अब कितने हो ये दस हंड्रेड हमारे पास यहां पे हो गए अभी बोलता है टेन हंड्रेड को मिला के हम क्या बोलेंगे थाउजेंड क्या बोलेंगे हम थाउजेंड और थाउजेंड थाउजेंड को लिखेंगे टी एच थाउजेंड को क्या लिखेंगे हम टी एज छोटा करके लिखेंगे इसको ओके तो आगे लिखते हैं कुछ सवाल जानने की कुछ कोशिश करेंगे मैं आपको बुक में ले चलता हूं बुक से पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स अभी हम बिल्कुल आपकी किताब से बिल्कुल जीरो से सीखने की कोशिश करेंगे देखिए यहां पे कितनी पेंसिल हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने नाइन लिखा अगर इसके अंदर एक और पेंसिल मिला देंगे तो कितनी पेंसिल हो जाएंगी ये टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो कितना हो गया दस ओके अभी दस पेंसिल से मिलके दस क्या लिखा है इसने वंश कितने वंश हो गए वंश ये देखना यहाँ पे ये वन one वंश हो गया ये कितने हो गए टू वंस हो गए ये कितने हो गए थ्री वंस हो गए ये कितने हो गए फोर वंस हो गए ये फाइव हो गए इस तरह से अब यहाँ पे वंश कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन वंश से मिलकर एक क्या बनेगा टेन क्या बनेगा एक टेन बनेगा ओके टेन वंश से मिलकर क्या बनेगा एक टेन अभी आगे देखना आपने काउंटिंग सीखी होगी वन टेन वन टेन में अगर एक और प्लस कर दोगे एक और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा इलेवन ठीक है अगर वन टेन के अंदर कितने हैं ये वन टू टू वंस जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व अगर वन टेन के अंदर अगर आप थ्री वंस जोड़ दो तो कितना आ जाएगा थर्टीन इस तरह से कहानी चलते रहेगी अगर वन टेन के अंदर टेन वंस अब बताओ टेन वंस से मिलकर क्या बनेगा टेन बनेगा क्या बनेगा टेन बनेगा तो पे कितने टेन हो गये? एक टेन तो ये हो गया और एक टेन कितना हो, पे? ये हो गया तो मुझे बच्चे बताओ कितने टेंस हो गए हमारे पास में दो कितने हो गए दो ठीक है इसलिए दो टेंस दो टेंस को क्या लिखा इसने टवंटी क्या लिखा टवंटी देखिए यहां पर देखना एक एक डिब्बे हैं उसके अंदर दस कलर दिखाए गए हैं तो एक वन हुआ और एक टेंस हुआ और ये कितने हो गए दो टेंस टू टेंस और एक जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी वन इसी तरह से अभी आगे देखिए ये कितने वंस कितने टेंस इसमें एक दो तो टू टेंस हो गए और पेंसिल ये दूसरी पेंसिल कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो कितना हो गया सेवन वंस कितना होगा सेवन वंस अब यहाँ पे आइए यहाँ पे कितना है वन टू थ्री कितना है ये थ्री तो कितने टेंस हुए हमारे पास में थ्री टेंस हो गए कितने हो गए थ्री टेंस हैं. एक ये रहा और दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा तीन को मिला ये कितना मिला थर्टी कितना बनेगा थर्टी अभी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास अगर चार टेंस होंगे तो क्या बनेगा फोर अगर फोर्टी बन जाएगा अगर फाइव फाइव हो जाएंगे हमारे पास में अगर मेरे पास अगर फाइव टेंस हो जाएंगे तो कितना बनेगा वो फिफ्टी अब यहां पे टेंस काउंट करना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब टेंस कितने हो गए टेन टेंस ठीक है टेन टें बनेगा एक वन हंड्रेड क्या बनेगा वन हंड्रेड अभी वन मैंने बताया था वन हंड्रेड कितने के बराबर होता है टेन Ten, टेंस के बराबर अब ये बताओ इसमें कितने हंड्रेड हैं कितने हंड्रेड इसमें एक तो आपका ये रहा और एक आपका ये रहा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे टू हंड्रेड कितना हो जाएगा टू हंड्रेड टू हंड्रेड को क्या लिखोगे आप कितने टेंस हो जाएंगे एक हंड्रेड में तो कितना होता है दस अगर दो हंड्रेड हो जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा टवेंटी टेंस कितना हो जाएगा टवेंटी टेंस आइए आगे अब इसमें कितने टेंस हैं हंड्रेड uh, कितने हैं वन टू थ्री हंड्रेड तो मेरे पास कितने हैं थ्री और टेंस की बात करें तो दस टेंस इसके अंदर थे टेन इसके अंदर और टेन इसके अंदर तो टोटल मिला कितने हो जाएंगे थर्टी टेंस ओके okay. इस तरह से आइए फिर अब यहाँ पे हंड्रेड कितने हैं ये देखने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इसलिए कितने हो गए टेन टेन हंड्रेड हो गए कितना हो गया टेन हंड्रेड और टेंस कितने हुए एक के अंदर दस दो के अंदर ये हो जाएंगे और तीन के अंदर कितने हो जाएंगे इसके अंदर दस थे बीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी नब्बे सो कितने टेंस हो गए हमारे पास में सो टेंस हो गए ओके अभी आगे देख लेते हैं एक बार हंड्रेड में कितने हो गए सो कितने टेंस हो गए सो इसलिए हंड्रेड को ऐसे लिखते हैं और जीरो टेन यहां पे कितना है वन तो हम कैसे लिखेंगे ये वन है ये टेंस 10, ये हंड्रेड जो चीज है ये कितना है वन वन की जगह पे क्या लिख वंस की जगह पे क्या लिखते हैं हमने वन अगर टेन जीरो है तो जीरो अगर हंड्रेड कितना है so, सो मतलब एक हंड्रेड है तो हमने क्या लिखा वन अगला देखिए अगले से समझ में आएगा यहाँ पे वन कितना है जीरो यहाँ पे टेंस कितने हैं वन टू तो लिखा और यहाँ पे हंड्रेड कितने हैं वन कितना हंड्रेड है यहाँ पे वन इस तरह से संख्या बनाई जाती है तो स्टूडेंट्स ये आपकी बुक है यहाँ अभी आपके बुक में आ गए हैं तो देखना यहाँ पे कितने वंश हैं थ्री और टेंस कितने हैं टू हंड्रेड कितने हैं फोर कितना है फोर अभी आपने क्या करना है इनको सही मिलान करना है ये रहा फोर तो हमारे पास हंड्रेड टेंस कितना था ट्वेंटी दो थे मतलब और ये थ्री इस तरह से सही मिलान इनका करना है ठीक है तो इनको कर लेना आप अभी यहां पे जितने भी एक्सरसाइज आप करोगे इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं कितने कितने वंश कितने यहां हैं चार और टेंस कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव और हंड्रेड कितना है वन अब आप कैसे लिखेंगे वन हंड्रेड वन हंड्रेड फिफ्टी वन हंड्रेड फिफ्टी सॉरी यहां पे फोर नहीं सिक्स हैं तो क्या लिखें सिक्स ठीक है अभी आगे चलिए तो स्टूडेंट्स कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं यहां पर देखना कितने वंस हमारे पास में थ्री हमने थ्री लिखा और टेंस कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव कितने टेंस हुए फाइव तो इसको ऐसे लिखेंगे हंड्रेड है? तो कितने हैं वन टू थ्री फोर तो कितने हंड्रेड है हमारे पास में फोर तो हंड्रेड इसको इस तरह से लिखेंगे ओके okay. आइए आगे वंस कितने हैं नाइन कितने नाइन हैं काउंट करके देखना टेंस कितने हैं हमारे पास में एक दो तो दो हो गए इसको इस तरह से लिखेंगे और ये वन टू थ्री अगर आप इनको काउंट करोगे तो नाइन हंड्रेड मिलेगा ठीक है लिखेंगे कैसे वंस की जगह पे कितना है ये नाइन और टेंस की जगह पे कितने थे ये कितने टेंस हमारे पास में दो और हंड्रेड एच हंड्रेड हंड्रेड कितने हैं मेरे पास में नौ तो मैंने नौ लिख दिया ठीक है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं एक बार वो देख लेते हैं सबसे पहले हम सीधा करेंगे जो मुश्किल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले वन टेन हंड्रेड तो वन बताना कितने हैं वन से फाइव ओके जी लिखा मैंने और टेन से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो, मैं One, two, three, four, five, six, seven, तो मैंने टेंस के जब क्या लिखा नाइन हंड्रेड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो मैंने क्या लिखा एट इस तरह से आपने संख्या बनानी है तो थर्ड क्लास की फर्स्ट चैप्टर में दिखाया गया इसको और समझ लेते हैं चार डिजिट चार डिजिट का मतलब क्या हुआ फोर डिजिट में वन टू थ्री फोर ये कितने डिजिट हो गए एक दो तीन चार जैसे कोई संख्या बनानी होती है जैसे ये होगी इसमें कितने डिजिट हुए वन टू थ्री फोर तो ये फोर्थ जो डिजिट है इसको क्या नाम देंगे एक बार वो देख लेते हैं यहां पे बताना वन टू ये कितना हो गया यहाँ पे वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन कितने हो गए नाइन तो ये है और ये वन है इन नाइन और वन से मिलकर क्या बनता है टेन क्या मिलके बनता है इनसे एक

और दस हंड्रेड से मिलकर क्या, बने क्या बनेगा अपना थाउजेंड क्या बनेगा थाउजेंड दोबारा देखिए आपको दिखाई नहीं दिया यहां पे ये ये टेंस है यहां पे वन टू थ्री तीन छो है नो टेंस है। और एक और टेंस ये जोड़ दूँ मैं तो कितने हो जाएंगे दस कितने हो जाएंगे दस दस टेन से मिलके क्या बनेगा वन हंड्रेड अगर ये नाइन हंड्रेड अगर इसको उठा के यहां पे जोड़ देंगे तो कितने हंड्रेड बन जाएंगे दस और दस 10, हंड्रेड से मिलके क्या बनेगा 1000 10, कितना बनेगा थाउजेंड ओके okay. जैसे ये रहा ये कितना है वन थाउजेंड ये कितना है फोर ये कितना है सेवन थाउजेंड यह कितना है टू थाउजेंड इस तरह से आप इनको करोगे आइए आगे तो वंस को ओ से इसको टेंस को टी से हंड्रेड को एस से और को टी से दिखाया जाता है तो अभी आप देखना यहां हैं? फोर यहां पे टेंस कितने हैं? फाइव यहां पे हंड्रेड कितने हैं थ्री और यहां पे थाउजेंड कितने हैं फोर इस तरह से लिखा जाएगा अगर प्लेस वैल्यू की बात करें ये फोर हंड्रेड ये थ्री हंड्रेड ये फिफ्टी और ये फोर आप लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी फोर आइए एक दो एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसमें वंश कितने हैं इसमें वंश कितने हैं फाइव तो मैंने वंस की जगह पे फाइव लिखा इसके अंदर कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो मैंने फाइव लिखा हंड्रेड इसके अंदर नहीं दे रखा तो उसको बच्चे छोड़ दो पे जीरो आई है यहां पे हंड्रेड नहीं दे रखा तो यहां पे जीरो ठीक है अभी थाउजेंड कितने हैं? तो मैंने क्या लिखा थ्री ओके okay? इस तरह से आपका हो जाएगा अभी आप आ जाओ इसको समझने की को कोशिश करते हैं ये वन ये टू ये फाइव ये एट जो वंस टेंस हंड्रेड और थाउजेंड को शो करेंगे अभी देखना कैसे लिखेंगे इस, कैसे पढ़ते हैं इसको एट थाउजेंड एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन ओके दोबारा फिर ये क्या है थाउजेंड की जगह पे तो थ्री थाउजेंड जीरो है तो जीरो को हम बोलते नहीं हैं और ये नाइनटी फाइव यहां पर फिर आइए ये थाउजेंड विज पे फोर बोलना जरूरी है जो दे रखा उसको बोलो फॉर थाउजेंड जीरो को नहीं बोलते टेंस को भी नहीं बोलेंगे क्योंकि जीरो है सीधा हम क्या बोलेंगे सेवन उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा एक बार यहां पर आप आइए जो एक दिखाया गया है रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं वंस कितना दे रखा है वन इसको काउंट करोगे वन टू ये टेन हो गया थ्री वन टू थ्री, थ्री और थाउजेंड में क्या दे रखा है फोर ठीक है पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी वन ओके तो अभी इनको दोबारा वापिस बनाने का तरीका नाइन ओ वंस कितना है ये वंस नाइन हो गया तो आप यहाँ पे नाइन गिनतारे बनाओगे थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टी कितनी है टेंस कितना है जीरो तो यहाँ पे जीरो रहेगा हंड्रेड कितना है टू वन टू थाउजेंड कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितना है एट अब इनको पढ़ेंगे कैसे एट थाउजेंड टू हंड्रेड यहाँ पे टेंस देने रखा तो उसको खाली बोल खाली छोड़ दिया और नाइन है तो नाइन ठीक है ये नाइन था ये जीरो है ये अपना हंड्रेड कितना है टू और एट थाउजेंड में कितना था एट इस तरह से बेटा संख्या बनाई जाएगी और आपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक ये करके देख लेते हैं फाइव वन टू थ्री फोर फाइव टेंस कितना है जीरो हंड्रेड कितना है वन टू थ्री थाउजेंड कितना है वन टू थ्री फोर अब इनको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे फोर थाउजेंड हंड्रेड कितने हंड्रेड हैं ये थ्री थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड और जो टेंस दे नहीं रखा तो सिद्धम क्या वन कितने हैं फाइव ओके इस तरह से लिखना था तो आइए आगे, आगे फिर एक्सरसाइज फर्स्ट के एक्सरसाइज में आपने करना क्या है कितने वन हैं टू है कितने टेंस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लिख दिया मैंने हंड्रेड कितने हैं वन टू थ्री और थाउजेंड कितने हैं टू तो इस तरह से लिख दिया ये सारे सारे ऐसे होंगे फिर आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे गिनतारे में जो दे रखा है आप लिखेंगे हंड्रेड वन कितने हैं आप यहाँ पे लिखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव टेन कितने हैं फोर हंड्रेड कितने हैं थ्री और थाउजेंड कितने हैं फाइव तो आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे फिर नंबर नेम लिखेंगे आप फाइव थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव यहाँ पे आप लिखेंगे फिर आपका आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे थ्री सेवन जीरो नाइन जो अभी हमने किया था नाइन को यहाँ पे शो करोगे टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जीरो है लिखेंगे नहीं हंड्रेड कितना है सेवन तो आप हंड्रेड को क्या लिखेंगे सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थाउजेंड कितना है थ्री वन टू थ्री फिर आ, आप यहां पे लिखेंगे इस तरह से ठीक है फिर आप इनका इनको संख्या में लिखेंगे ये फाइव ये फोर थ्री सेवन आप लिखेंगे सेवन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव इस तरह से करना पड़ेगा आपको यह क्वेश्चन तो तो अभी टें तो लिखा नहीं है तो जीरो वहां पे और फाइव है तो फाइव इस तरह से दोबारा फिर देखिए सी का वन थाउजेंड वन थाउजेंड लिख दिया नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड लिख दिया नाइन्टी नाइन्टी लिख दिया यहाँ पे वन तो दे नहीं रखा टू थ्री फोर फाइव उसकी जगह खाली रहेगी तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं और बेटे ये अपनी एक्सरसाइज पूरी हो गई उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे इसको अच्छे ध्यान से देखेंगे अगर समझ में नहीं आए तो मुझे दोबारा बताना दोबारा फिर समझा देंगे तो अगली एक्सरसाइज में फिर मुलाकात होगी तब तक घर पे सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए और एक्सरसाइज साफ़ कॉपी अपने बना के काम करते रहिए